खबर जबलपुर से है, जहां राज्य पुलिस ने सूदखोर लल्ला रजक के खिलाफ किया मामला दर्ज। जबलपुर में सूदखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रांची थाना क्षेत्र के सूदखोरी करने वाले व्यक्ति पर रांची पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जहां रांची पुलिस के मनोज गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि विजय रजक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके अपने रिश्ते से चाचा रांची निवासी लल्ला रजक ने 30,000 रुपए 5% ब्याज पर उधार लिए थे, जिसके एवज में उसने 30,000 रुपए के 1,00,000 रुपए लल्ला रजक को चुका दिए। उसके बाद भी लल्ला रजक उससे रुपयों की मांग कर उसको धमकियां दे रहा था। वहीं विजय रजक की रिपोर्ट पर रांची पुलिस ने मामला जांच में लेते हुए तफ्तीश की तो विजय रजक की रिपोर्ट सही पाई गई, जिसको लेकर पुलिस ने सूदखोर लल्ला रजक के विरुद्ध कर्ज एक्ट एवं विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एक संजीवनी नगर के विजय रजक रहने वाले थे, जिनके द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को एक शिकायत आवेदन पत्र दिया गया था, जिसमें चाचा लालजी रजक द्वारा विजय रजक के पिता के इलाज हेतु 2019 में 30,000 रुपये लिए गए थे और 5% ब्याज की दर से 1,00,000 रुपये करीब इनके द्वारा लेने के बाद भी विजय रजक पे 1,00,000 रुपये और का दबाव लेने का दबाव दिया जा रहा था। फिर नहीं देने पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ में प्रार्थी के घर में जाकर धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई पैसा न देने पर, जो प्रार्थी द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिया गया, जिस पर थाना रांझी में आरोपी लालजी रजक और एक अन्य व्यक्ति का विरुद्ध कर्ज एक्ट का प्रकरण कायम किया कर विवेचना में लिया गया है। कौन है ये विजय रजक और कहाँ का रहने वाला है? ये विजय रजक संजीवनी नगर का रहने वाला है। अपने पिता के लिए 30,000 रुपये, पिता के इलाज के लिए 30,000 रुपये का कर्ज लिया था और सगे चाचा ने कर्ज दिया था 5% की दर से। ये रांझी के रहने वाले हैं, प्रताप नगर। जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।